हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको लेटेस्ट फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बनाना बताऊंगी। इस तरह की कुर्ती आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर ये रियॉन फैब्रिक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड किया है कि ये ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड है। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है मेरी 15 इंच, उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ ली है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे, तो शोल्डर लूँगी मैं इसके 7.5 इंच और यहाँ से आर्म होल भी लूँगी मैं 7.5 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे और इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। तो चेस्ट है इसकी 36, 36 का चौथा हिस्सा होता है 9, तो 9 इंच पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर है इसकी 30, 30 का चौथा हिस्सा होता है 7.5 और उसमें प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए, तो 8 इंच पर मैं कमर का निशान लगाऊँगी। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच। अब यहाँ से आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल है और 1/2 इंच अंदर से हम फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। तो इसे मैं ज़्यादा डीप नहीं करूँगी क्योंकि ये मैं स्लीवलेस कुर्ती बना रही हूँ, तो इसे हल्का सा ही डीप रखूँगी। और अब यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे नेक की चौड़ाई लूँगी मैं 4 इंच और नेक डीप रखूँगी 3.5 इंच फ्रंट और बैक दोनों के लिए। नेक डीप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें नेक का शेप बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं बोट नेक बना रही हूँ फ्रंट और बैक दोनों साइड। अब 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से। अब नीचे से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और कमर से हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह। तो मार्किंग हो गई है हमारी। अब इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग कर ली है मैंने। अब इसमें से बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और इसका फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रंट आर्म होल भी कट कर लिया है मैंने। अब हम लाइनिंग पे टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग के फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड करके रखा है। इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे और अब नेक को नहीं कट करना है हमें, नेक को छोड़ के इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग की भी कटिंग हो गई है हमारी। और अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने फैब्रिक की ये 2 लेयर रखी है और बॉटम पार्ट की लेंथ हमें किस तरह लेनी है, जो भी हमारी कुर्ती की फुल लेंथ हो उसमें से हमें टॉप पार्ट को अलग करना है और फिर जो भी लेंथ बचे वो हमें बॉटम पार्ट की लेंथ रखनी है। जैसे मेरी कुर्ती की फुल लेंथ है 47 इंच, उसमें से 15 इंच हम अलग करेंगे टॉप पार्ट के लिए तो बचेगा 32 इंच। तो ये 32 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। अब इसमें देखिए 21 इंच मेरे बॉटम पार्ट की लेंथ है और 11 इंच की मैं इसमें नीचे फ्रिल अटैच करूँगी। तो इस तरह टोटल 32 इंच मेरे बॉटम पार्ट की लेंथ आ जाएगी। तो ये मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। 21 इंच बॉटम पार्ट की लेंथ है प्लस इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन है क्योंकि 1/2 इंच ऊपर से दबेगा और 1/2 इंच नीचे से दबेगा। तो टोटल 22 इंच मैंने बॉटम पार्ट की लेंथ ली है और नीचे फ्रिल की लेंथ है मेरी 11 इंच, उसमें भी प्लस 1 इंच मार्जिन, तो टोटल 12 इंच मैंने फ्रिल की लेंथ रखी है। और बॉटम पार्ट की चौड़ाई मैंने वेस्ट से 20 इंच ज़्यादा ली है, यानी जो भी ये वेस्ट साइज है उससे 20 इंच ज़्यादा ली है, यानी 40 इंच इसकी चौड़ाई है। और फ्रिल की चौड़ाई जो हमारा बॉटम पार्ट है उससे 20 इंच ज़्यादा ली है, यानी फ्रिल की चौड़ाई 60 इंच है। ठीक है, तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास 2 पार्ट्स है फ्रंट और बैक के लिए, तो इसमें से हम एक एक पार्ट को अलग रख देंगे। और अब हम बॉटम पार्ट में इस तरह छोटी छोटी प्लीट्स बना के इसे वेस्ट के बराबर कर लेंगे और सेम इसी तरह से हम फ्रिल में भी छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे और इसे बॉटम पार्ट के बराबर कर लेंगे इस तरह। और देखिए दोनों साइड से 1.5-1.5 इंच छोड़ के इसमें हम प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह हमें छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है। और आप प्लीट्स बनाने के लिए जो बड़ी नीडल होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं,
इससे देखिए इजीली इसमें प्लीट्स बन रही हैं। तो ये देखिए सारी प्लीट्स मैंने बना ली है। सेम इसी तरह से हम नीचे फ्रिल में भी प्लीट्स डालेंगे। तो देखिए ये हमारी फ्रिल है, तो इसको मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है, बॉटम से इसे फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। और अब हम इसमें भी छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे। इस तरह हमें सारी प्लीट्स बना लेनी है। तो देखिए फ्रिल भी रेडी हो गई है, और अब इस फ्रिल को हम बॉटम पार्ट से अटैच करेंगे। तो ये हमारा बॉटम पार्ट है, और अब इन दोनों पार्ट को इस तरह बराबर मिला लेंगे। दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए रखना है, और अब इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह देखिए बॉटम पार्ट रेडी हो गया है हमारा। और ये हमारा फ्रंट का बॉटम पार्ट और ये बैक का। तो इस तरह हमने दोनों बॉटम पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए लाइनिंग के ऊपर मेन फैब्रिक को रखा है मैंने, और मेन फैब्रिक की ऊपर रॉन्ग साइड है और अंदर इसकी राइट साइड है। तो इस तरह दोनों पार्ट को मिला के हमें रख लेना है। और अब हम इसका नेक स्टिच करेंगे, और बीच वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, और नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और अब मेन फैब्रिक को सीधी साइड फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और अब इसे अच्छे से एक बार प्रेस कर लेंगे। और प्रेस करके हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसे प्रेस कर लिया है, और अब नेक के ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे, और इसे दोनों साइड से भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है, और दोनों साइड से भी इसे स्टिच कर लिया है, और लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अब हम इसमें डार्ट बनाएंगे। तो टॉप पार्ट के सेंटर में पहले एक लाइन बनानी है, और अब इस लाइन के दोनों तरफ 4-4 इंच में निशान लगाएंगे। तो 4 इंच इस तरफ और 4 इंच इस तरफ। और अब हम डार्ट की लेंथ रखेंगे 5.5 इंच। तो इस तरह 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पर इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह हम डार्ट का शेप बना लेंगे। और अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इसे स्टिच करेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने डार्ट बना लिए हैं, और फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है। और सेम इसी तरह मैंने बैक पार्ट भी रेडी किया है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, बैक साइड भी मैंने 2 डार्ट बनाए हैं। अब दोनों पार्ट को बराबर मिला लेंगे। और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे, और दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब हम इसके आर्म होल रेडी करेंगे। तो इसे हम उल्टा रखेंगे, और ये मैंने क्रॉस पट्टी कट की है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और रॉन्ग साइड से आर्म होल पर अटैच कर लेंगे दोनों साइड। तो देखिए दोनों साइड पट्टी अटैच कर ली है मैंने, और अब यहाँ आर्म होल के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और अब इस पट्टी को सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह सीधी साइड इसे फोल्ड करके पहले एक बार प्रेस कर लेंगे, और फिर इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह देखिए मैंने दोनों आर्म होल रेडी कर लिए हैं। तो टॉप पार्ट भी हमारा रेडी है, अब बस हमें टॉप और बॉटम पार्ट को जॉइन कर लेना है। तो ये हमारा बॉटम पार्ट है, इसके ऊपर टॉप पार्ट को रखेंगे, और दोनों पार्ट को बराबर मिला के वेस्ट लाइन से सीधा स्टिच कर लेंगे।
तो देखिए मैंने फ्रंट और बैक साइड बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो ये मैंने मार्किंग की है फिटिंग की, इसी मार्किंग पे हमें दोनों साइड सिलाई लगानी है नीचे बॉटम तक। तो ये देखिए फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और इसके साथ मैंने ये डिज़ाइनर बेल्ट बनाया है। और ये बेल्ट मैंने किस तरह बनाया है इसका फुल ट्यूटोरियल आपको हमारे न्यू चैनल ज्योति परेवा डिज़ाइंस पर मिल जाएगा। तो आप हमारे न्यू चैनल ज्योति परेवा डिज़ाइंस को एक बार ज़रूर विजिट करें, उसकी लिंक आपको नीचे फर्स्ट कमेंट और वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। और पहनने के बाद इस बेल्ट को वेस्ट में इस तरह से बांध लेंगे। तो ये लेटेस्ट डिज़ाइनर फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बनके अब रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।